हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक्स थिंग्स में। तो दोस्तों, आज है 19th of September और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल के वीडियो में मैंने जो भी शेयर्स के बारे में बताया था उसमें से मेजोरिटी ऑफ शेयर आज ग्रीन में है। उसी तरीके से आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे शेयर्स के बारे में जिन्हें अगर हम आज ले या फिर कल ले, दोनों ही केस में वे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर हम इन शेयर्स को आज मार्केट क्लोज होने से पहले ले ले तो वे हमें कल डिलीवरी ट्रेडिंग में प्रॉफिट देंगे, और अगर हम इन शेयर्स को कल मार्केट ओपन होते ही ले ले तो वे हमें कल इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट देंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं शेयर्स की लिस्ट की तरफ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले नंबर पे है शिप्ला लिमिटेड। अब हम लोग शिप्ला लिमिटेड के प्राइस लेवल की भी बात कर लेते हैं कि कौन सा प्राइस लेवल हमारे लिए बेस्ट रहेगा, और यहाँ पर बनाकर देखते हैं एक सपोर्ट। तो शिप्ला लिमिटेड का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वह मुझे इस लेवल पर देखने को मिल रहा है, जो कि है 1023 का लेवल। अभी शिप्ला लिमिटेड का प्राइस 1025 के आसपास है। तो जब आपको शिप्ला लिमिटेड का प्राइस 1020 के आसपास आपको देखने को मिले तो आप इसे लेने के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ये इस सपोर्ट से कल ज़रूर ही ऊपर जाएगा। दूसरे नंबर पे है LNT। अब LNT को हमें किस प्राइस पे लेना है उस पर भी अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पर बनाकर देखते हैं एक सपोर्ट। तो LNT का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वह मुझे इस लेवल पर देखने को मिल रहा है, जो कि है 1900 का लेवल। अभी LNT का प्राइस 1917 के आसपास है। तो जब आपको LNT का प्राइस 1900 के आसपास आपको देखने को मिले तो आप इसे लेने के बारे में ज़रूर सोचें। तीसरे नंबर पे है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। दोस्तों, भारतीय एयरटेल लिमिटेड को मैंने कल के वीडियो में भी रिकमेंड किया था, और जिन लोगों ने कल मेरे रिकमेंडेशन पे इसे लिया होगा वे अभी आज प्रॉफिट में होंगे। पर मैं इसे आज के वीडियो में इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में एक न्यूज़ निकल के आई है कि यह अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में अपना 5G सेवा को लॉन्च करेगी, और जब इसका 5G सेवा लॉन्च होगा तो आप ही सोचिए कि इसका जो शेयर है वो कहाँ तक जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइस लेवल की। तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे इस लेवल पर देखने को मिल रहा है, जो कि है 780 का लेवल। अभी भारतीय एयरटेल लिमिटेड का प्राइस 785 के आसपास है। तो जब आपको भारतीय एयरटेल लिमिटेड का प्राइस 780 पे देखने को मिले तो आप इसे लेने के बारे में ज़रूर सोचें। चौथे नंबर पे है वेदांता लिमिटेड। अब वेदांता लिमिटेड को हमें किस प्राइस पे लेना है उस पे भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेदांता लिमिटेड अभी ओवरहीट हो चुका है, क्योंकि इसका जो सेमीकंडक्टर वाली न्यूज़ आई थी वह इसे काफ़ी ऊपर तक ले गया है, और वेदांता लिमिटेड अभी हमें एक बार फिर से अपने सपोर्ट को टच करते हुए दिख रहा है। और अब यहाँ पे हम लोग वेदांता लिमिटेड की सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। तो वेदांता लिमिटेड का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वह मुझे 275 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी वेदांता लिमिटेड का प्राइस 284 के आसपास है। तो जब आपको वेदांता लिमिटेड का प्राइस 275 से लेके 280 के बीच में देखने को मिले तो आप इसे जरूर से जरूर लें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।